मैं अनिल वर्मा, समाचार 24/7 न्यूज से। इस समय हम जंतर मंतर पर उपस्थित हैं, जहां पर आप देख रहे हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को, जिनके नेतृत्व में आज यहां पर दिल्ली के दंगों में मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि देने हेतु सभी लोग एकत्रित हुए हैं। स्वामी जी के व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज नरसिंहानंद जी एक ऐसे संत हैं जो हिंदुओं के हित में मुखर होकर बोलते हैं। अन्यथा अन्य जितने संत हैं, मतलब हिंदुओं के जितने भी संत हैं, वो सब सेकुलरिज्म के कीड़े के काटे हुए दिखाई देते हैं, जैसे उन्हें सेकुलरिज्म के कीड़े ने काट लिया हो। स्वामी जी, आप सर्वप्रथम ये बताएं, हमें ये जानना है कि ये अच्छे मुस्लिम और बुरे मुस्लिम क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है? कुरान में अच्छे मुस्लिम और बुरे मुस्लिम की क्या परिभाषा है? जिन आतंकवादियों ने हिंदुओं को, पंडितों को, जो भी हिंदू वहां पे थे, उन्हें मार के भगाया, और अच्छे मुसलमान वो हैं जिन्होंने उनकी संपत्तियों को बंटवारा कर लिया। तो मुसलमान मुसलमान है, अच्छे और बुरे उनके विद इन इस्लाम। आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि मुसलमान इस्लाम के अंदर अच्छे या बुरे होते हैं। लेकिन मेरे लिए, आपके लिए, भाई साहब के लिए, दीपक जी के लिए, सारे मुसलमानों का एक ही कर्तव्य है। दुनिया का जो भी मुसलमान कुरान को फॉलो करता है, उसका यही कर्तव्य है कि वो मेरा कत्ल करे, मेरे बच्चों का कत्ल करे, मेरी संपत्ति पर कब्जा करे और पूरी दुनिया को वो मुसलमान बनाए। ये उसका कर्तव्य है। मुसलमान मेरे लिए केवल मुसलमान है, आपके लिए केवल मुसलमान है, हर काफिर के लिए केवल मुसलमान है। आपस में उनमें अच्छे और बुरे मुसलमान होते हैं, वो उनका इंटरनल मैटर है, उसका हमसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। स्वामी जी, दिल्ली में जो दंगे हुए हैं गत दिनों, उनके बारे में उन्हें आप किस तरह देखते हैं और इन दंगों के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, दिल्ली ये दंगा नहीं है, ये गृह युद्ध की दिल्ली में आधिकारिक शुरुआत है। उन्होंने दिल्ली में गृह युद्ध की शुरुआत कर दी और ये अचानक नहीं भड़का। 2020 में देश में गृह युद्ध के लिए ISIS पहले ही बहुत पहले कह चुका था कि 2020 में वो भारत पर कब्जा करेंगे। तो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद थोड़ा जरा उनकी योजनाओं को डिले हो गया। तो ये आधिकारिक शुरुआत है गृह युद्ध की, ये दंगा था ही नहीं, ये हिंदुओं का नरसंहार था जिसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। तो ये दंगा नहीं था, ये हिंदुओं का सुनियोजित नरसंहार था। स्वामी जी, हिंदुओं के पास तो ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली एक दिन में दंगों से संबंधित, तो मुसलमानों ने एक दिन में इतनी सामग्री कैसे एकत्रित की? क्या एक दिन में वो गुलेल बन गई, जो तोप जैसी गुलेल थी? क्या एक दिन में इतने सारे पत्थर इकट्ठे हो गए? क्या एक दिन में उनकी सारी मुसलमानी एक साथ लड़ाई के लिए उतर गई? एक दिन में सब कुछ हो गया? एक दिन में इतने पेट्रोल बम बन गए? एक दिन में इतना सारा जो है उनके पास तेजाब आ गया, जो उन्होंने सिपाहियों पर फोर्स पर डाला? एक दिन में हो गया सारा? कैसे हो गया एक दिन में भाई? फौज को भी तैयारी करने के लिए समय चाहिए, ये फौज से भी ज्यादा एडवांस है कि एक दिन में सब कुछ तैयार कर लिया इन्होंने। तो क्या इसको आप मानते हैं कि सोची समझी थी? अरे आपकी समझ, ये बहुत ही बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र था, हिंदू नरसंहार का षड्यंत्र। हमारे देश का मीडिया, हमारे देश के नेता, हमारे देश के हिंदू संगठन कभी इस बात को समझेंगे नहीं, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? देखिए, दिल्ली सरकार तो जिहादियों के साथ है। दिल्ली सरकार क्या करेगी? केजरीवाल खुल के, केजरीवाल मनीष सिसोदिया ने कह दिया था हम तो शाहीनबाग के साथ है। लेकिन दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो बीजेपी की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की। दिल्ली की जो जुडिशियरी है वो बीजेपी की जिम्मेदारी है, उसमें केजरीवाल का अगर दोष है तो केजरीवाल को जेल में डालो। लेकिन जिन्हें करना है करेंगे तो वही, दिल्ली में केजरीवाल थोड़े किसी को जेल में डाल सकता है। केजरीवाल को जेल में डालो, देखो दंगे कहां कहां कैसे कैसे शुरू हुए, सबको जेल में डालो। अपनी जिम्मेदारी से भागो मत, दूसरे पर मत थोपो। देखिए, दिल्ली में अगर केंद्र सरकार कोई सबूत देती है तो केस चलना चाहिए, लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार का मामला है, केजरीवाल का मामला नहीं है। केजरीवाल तो अपनी तरफ से मुसलमान जिहादियों को सुविधा दे रहा है, वो सुविधा दे रहा है, उनके साथ है, खुल के साथ है। केजरीवाल ने कहीं दिखाने में शर्म नहीं करी है कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ, हिंदुओं के खिलाफ हूँ। तो इसीलिए केजरीवाल के, लेकिन केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है केंद्र सरकार, जिम्मेदार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। अगर उन्हें ये लगता है कि केजरीवाल की गलती है या सोनिया गांधी की गलती है या प्रियंका की या राहुल की गलती है, तो उन्हें जेल में ठूसना चाहिए।